दोस्तों मेरे साथ जुड़े हैं जितेंद्र कुमार। मैं इनको इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं इन्हें फ्रॉम वेरियस अमेज़न शोज एंड टीवीएफ शोज। और इनकी फिल्म आई थी इस साल शुभ मंगल ज्यादा सावधान, हटके फिल्म है, इनके बारे में हम इनसे बात करेंगे। पहले अभी बताइए आप कैसे हो लॉकडाउन में, हाउ यू कीपिंग बिजी एंटरटेन? मैं अच्छा हूँ, पूरा टाइम यार यही झाड़ू पोछा बर्तन यही सब में निकल जाता है तो exactly. एकदम। और बाकी टाइम में ज्यादातर टाइम सो ही रहा हूँ जो कि अच्छा है, बिल्कुल बहुत टाइम है हमारे पास सोने के लिए, मैं भी यही कर रहा हूँ। झाड़ू पोछे के बाद इतना थक जाते हो कि जस्ट स्लीप वो है ना एक कहावत, जब जब जागे तब सवेरा, मेरा भी यही वाला सीन है आजकल। करेक्ट करेक्ट, मैं अभी थोड़ी देर पहले एक डेढ़ घंटे पहले कुछ नए डिशेस सीख रहे हैं आप खाने बनाने में? मुझे कुकिंग का शौक हुआ करता था। अच्छा। और मुझे बहुत मजा आता था कुकिंग करते वक्त, बट अभी बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि कुकिंग के साथ बर्तन भी है और बहुत सारी चीजें हैं, सफाई बिल्कुल भी, बिल्कुल वो सब पे ज्यादा ध्यान है। बट हाँ, अभी काफी टाइम से 3 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि या तो गाजर का हलवा बनाऊंगा या रसगुल्ले बनाऊंगा, अभी तक बनाई ख्वाब है, अब उस ख्वाब है, अब उस ख्वाब को करना है इम्प्लीमेंट। बट बिल्कुल चलिए तो सर बात करते हैं आपकी करियर की, लेट्स वर्क इन रिवर्स, क्योंकि अभी जो हाल ही में आपका शो आया है पंचायत, रिव्यूज हैव बीन फैंटास्टिक, मैंने खुद एक ही जो उसे कहते हैं ना बिंज वॉच, मैंने उसे बिंज वॉच किया था। और मैं आपके जो आपकी जो एक दोस्त है काफी जाने माने बिशो, हम दोनों बात कर रहे थे तो आई सेड कि यू नो, और मैं पहले भी कह चुका हूँ ट्वीट्स में, इट्स लाइक यू नो वागले की दुनिया मीट्स मालगुड़ी डेज, मतलब बहुत ही। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो बात करें, बट एक्चुअली अ फैंटास्टिक शो। तो पहले ये बताइए इसका इसका रिस्पॉन्स क्या है, बिकॉज इट केम आफ्टर योर फिल्म, हम फिल्म की बात करेंगे, पहले आप जरा शो के बारे में बात करिए। मुझे लगता है कि फिल्म की वजह से थोड़ा सा रीच ज्यादा बढ़ा है मेरा, और मतलब पहले वाले जो शोज होते थे वो बहुत सारा जो यूथ जो ऑडियंस है वो बहुत देखता था, लाइक 18 to 35 वाला जो एज ग्रुप है वो बहुत ज्यादा मेरे शोज देखता था। पहली बार ऐसा हुआ, एक तो शो भी वैसा है कि फैमिली के साथ देख सकते हो, तो फिल्म भी बहुत सारे फैमिली के लोगों ने देखी थी, तो यहाँ पे अभी पेरेंट्स लोग देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद आ रहा है, सो जनरली बहुत बढ़िया तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। और आई थिंक लॉकडाउन के टाइम पे आया है शो, तो सब लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है इस तरह का शो देखने पर, देखने के लिए, ताकि वो बैठ के एक एक फ्लो में देख पाए या बिंज वॉच कर पाए, तो वो इस शो के साथ हुआ है, बहुत ज्यादा नंबर पे हुआ है और सभी ने लाइक सभी ने बिंज वॉच किया, किसी ने ऐसा नहीं किया कि एक एपिसोड छोड़ के फिर देखेंगे, वो हुआ ही बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, लाइक वेरी वार्म, वेरी नाइस एंड वेरी वेल डन एंड इट। बात करें शो की तो यू नो इट्स, मैं कहूंगा कि द कास्टिंग मेरे हिसाब से इट इज स्पॉट ऑन। और अगर जो हम में से हैं दर्शकों जो काफी साल से टीवीएफ के शोज देख रहे हैं, तो इट डज फॉलो इन दैट टिपिकल टीवीएफ जॉनर, फोकस ऑन द राइटिंग एंड द कास्टिंग। पर यहाँ फर्क है कि ये इंटीरियर्स में शूट हुआ, तो एज द टाइम ऑफ शूटिंग क्या आपको एहसास हुआ कि वी आर एक्चुअली ऑन टू समथिंग स्पेशल विद द कास्ट, विद द एवरी डिटेल इज सो नुआंस, यू नो? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा क्रेडिट जो इसकी राइटिंग है वो बहुत अलग है, मतलब बहुत बहुत सिंपल सीन्स हैं और कुछ भी ओवरडू नहीं है, लाइक नथिंग, कुछ होता ही नहीं है, लाइक पूरे एपिसोड निकल जाता है, पूरा सीरीज निकल जाता है, ये खासियत है शो की। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है, तो ये सबके लिए एक चैलेंज था, इवन डायरेक्टर के लिए इसको एग्जीक्यूट करना कि जिस तरह से लिखा है वैसा ही आ जाए, एंड एक्टर्स के लिए तो अलग से चैलेंज था क्योंकि एक्टर्स को हमेशा कुछ ना कुछ लाइंस की हेल्प चाहिए होती है, या तो लाइन बहुत स्ट्रांग हो जिसमें वो डायलॉग डिलीवरी दे सके, तो वैसा कुछ था नहीं, तो कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी इसके लिए कि बहुत ही अमेजिंग कास्ट चाहिए ताकि ये सारे सीन सिंपलिसिटी से हम दिखा पाए, तो उस पर पूरा ध्यान दिया गया, एंड रघुवीर सर एंड नीना मैम लाइक बेस्ट चॉइस है फॉर दीज कैरेक्टर्स, तो वो आ गए, उन्होंने सुना और वो तुरंत अग्री कर गए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि वैसा ही कुछ इमेजिन किया था, लाइक रघु सर एंड नीना मैम उस तरह के ही लोग हमने एक्टर्स लोग हमने इमेजिन किए थे जब लिख रहे थे, तो वो आए साथ में, तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, एंड लाइक कास्टिंग ऑफ जो सहायक है विकास, जो चंदन, यस यस यस, तो वो काफी कमाल के हैं, और
वो राइटिंग में जब वो रीडिंग हो रही थी तभी फील आ रही थी कि हाँ ही इज लाइक वेरी गोइंग वेरी गुड, लाइक जिस तरह से सोचा है विकास का कैरेक्टर और जिस तरह से वो दिखना चाहिए ओवरऑल लुक, जब उसका फाइनल लुक लुक टेस्ट हुआ तो वो काफी उसकी तरह दिख रहा था, तो वो बड़ी अच्छी चीज है। एंड फैजल सर, लाइक फैजल सर हमें कुछ एक ऐसा क्यूट स्माइल वाला फेस चाहिए था कि इज टू गुड, जो हाँ कैमरा पे एक बार आए तो फिर सब पीछे चले जाए, तो फैजल सर का वो चार्म है स्क्रीन पे, तो आई थिंक पूरी अमेजिंग कास्ट है, उनके साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। नहीं वही है, एज अ व्यूअर हमें लगता है कि मतलब इट सीम्स के सबको इतनी मजा आया इस शो में, काफी एक फैमिली टाइप माहौल से लग रहा था, क्या था ऐसे सेट में? हाँ आई थिंक जिस तरह की रघुवीर सर और नीना मैम एक्टर्स हैं तो इनको काफी काफी एक्सपीरियंस है और मतलब जनरली सेट को अपना बना लेते हैं लाइक पूरा, क्योंकि इन्होंने काफी शूट किया है गाँव में, काफी शूट किया है और इनको पता है कि अगर और हमें वहां पे कुछ 2-3 महीने रहने थे, तो 2-3 महीने अगर रहना है तो तुम्हें बहुत कंफर्टेबल होना ही पड़ेगा विद द लोकेशन विद द एक्टर्स विद द क्रू, तो ये उनको बहुत अच्छे से आता है, तो उन लोगों ने काफी हेल्प की पूरे सेट को पूरे क्रू को बांध के और घर बनाने के लिए, तो वो अपनी कहानियां सुनाते थे बैठ जाते थे और लाइक पेड़ और के कितनी बैठ जाते थे, कितनी इनकी कहानियां होंगी, हाँ अलग अलग कहानियां अलग अलग डायरेक्टर्स की, जो पुराने डायरेक्टर्स उस टाइम पे जो फिल्में बनती थी और उस तरह की चीजें, इनकी कहानियां सुनते सुनते टाइम निकल जाता था। हाँ मतलब फॉर मी मैं बहुत ऐसे बहुत इंटरेक्ट नहीं कर पाता था, मैं कम इन्वॉल्व रहता था, आई यूज्ड टू लिसन टू देम, बहुत सारी इनकी कहानियां सुनता था, तो बट हाँ लाइक बहुत अच्छा माहौल इन्होंने, बहुत हैप्पी वाइब्स इन्होंने क्रिएट करके रखी रघु सर एंड नीना मैम ने, इनफैक्ट फैजल सर ने, फैजल सर इज लाइक पार्टी एनिमल, तो जैसे ही शूट खत्म हुआ तो सबको इकट्ठा करके थोड़ा बहुत वो चिल करते थे, पूल साइड जाते थे वो लोग सब लोग थोड़ा, क्योंकि काफी गर्मी में हम लोगों ने शूट किया था, काफी अलग वेदर कंडीशन थी वहां पे, हम लोगों ने लाइक 43-47 डिग्रीज में हम लोग शूट कर रहे थे। इसकी शूटिंग एग्जैक्टली हुई कहां पे थी? इट्स लाइक भोपाल में एक बहुत अंदर जगह है, सीहोर करके एक एरिया है, काफी सारे सीहोर इज अ बिग एरिया, वो काफी सारे गांवों से जुड़ा हुआ है, तो उसका एक गांव था सीहोर में, गांव था महोड़िया, सो वी यूज्ड टू स्टे इन सीहोर एंड वी यूज्ड टू ट्रैवल टू महोड़िया, महोड़िया एक छोटा सा गांव था जहां पे पंचायत थी, जहां पे असली पंचायत थी वहीं पे हमने शूट किया, हमको कुछ 6-7 घंटे की परमिशन मिलती थी बिकॉज बाकी टाइम पंचायत का काम भी होता था, तो उन्हीं 6-7 घंटे में हम लोग अपना काम करते थे पंचायत में, तो रियल पंचायत थी, रियल प्रधान जी का, जो वहां के प्रधान जी थे गाँव के उन्हीं का घर हमने यूज किया फॉर प्रधान जी का घर, सो तो काफी सारी रियल चीजों को यूज किया है वहाँ पे ताकि वो ऑथेंटिक लगे, और इनफैक्ट जो आर्ट टीम है वो बड़ी कमाल की थी, उन्होंने बहुत कभी भी ऐसा लगता है जो पूरा मतलब पूरा सेटअप ही है, मतलब ऑफ कोर्स द बिल्डिंग पंचायत की वो पंचायत की है एंड जो घर है प्रधान जी का वो प्रधान जी का है, बट उन्होंने काफी कुछ चेंज किया उधर जो शूट के हिसाब से सही लगे और वो काफी बहुत ऑथेंटिक था, तो आर्ट टीम भी बहुत कमाल की थी। और जिस सीन पे सीजन 1 खत्म हुआ, मतलब इट्स लाइक अच्छा लग रहा है कि अब सीजन 2 में बहुत ही मजा आने वाला है, वो जब आप यू वॉकिंग अराउंड दैट वाटर द वाटर टैंक, तो आप ये बताइए अगर आपकी बात करें एज एन एक्टर आपको किस तरह के रोल्स सबसे दिल से ठीक लगते हैं? ऑब्वियसली यू बीन डूइंग कॉमेडी फॉर अ व्हाइल बट व्हाट रियली सूट्स यू, ये शायद वो अब तक वो पोटेंशियल टैप नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हाँ मतलब थोड़े से लार्जर देन लाइफ नेगेटिव या पॉजिटिव या रोमांटिक थोड़े से लार्जर देन लाइफ जो थोड़े से ओवर हो वो मुझे एक्सप्लोर करने हैं, क्योंकि अभी तक जितना भी है बहुत जितना भी जो बड़े सीरीज या मतलब बड़े इन द सेंस लेंथ वाइज जो बड़े सीरीज या फिल्म्स की बहुत रियलिस्टिक कैरेक्टर्स थे, तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़े से लार्जर देन लाइफ डार्क या नेगेटिव कैरेक्टर्स लार्जर देन लाइफ रोमांटिक कैरेक्टर्स वो थोड़े से मेरा मन है वो करने का, क्योंकि भाई क्योंकि काफी टाइम से मैंने सेम सिमिलर स्पेस में कॉमेडी एंड सॉरी काफी टाइम से मैंने सिमिलर स्पेस के कैरेक्टर्स किए, तो हाँ बहुत अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बट राइट नाउ कि हाँ कुछ लार्जर देन लाइफ करने को मिले। अगर आपकी फिल्म जो अभी हाल ही में आई थी शुभ मंगल ज्यादा साधा इसकी बात करें तो इट इज अ रोमांटिक कैरेक्टर, पर ये थोड़ा हट के रोमांस है, हट के इन द सेंस कि आजकल हिंदी फिल्मों में आज तक ऐसे फिल्म जो है वो नहीं बनी है, क्या इससे पहले आपको कुछ और अच्छे स्क्रिप्ट आए थे बट यू आर वेटिंग फॉर द राइट स्क्रिप्ट, क्योंकि जो आपकी चॉइस थी है इट्स अ वेरी वेरी कॉन्शियस चॉइस टू डू अ फिल्म लाइक दिस ना? हाँ मतलब हमेशा से लाइक आफ्टर पिक्चर्स से पहले जो मैं हम लोग स्केचेस करते थे लाइक छोटे स्केचेस होते थे हमारे,
उनमें शायद लोगों को उतना, जो फिल्म मेकर्स हैं, जो इंडस्ट्री के लोग, उनको शायद उतना ट्रस्ट नहीं आ पाता हुआ कि ये लोग कितना केपेबल हैं, एक्टिंग कितना अच्छे से आता है, उसी वो डाउट रहा होगा। लेकिन आफ्टर परमानेंट रूममेट्स एंड पिक्चर्स जब आया तो काफी सारे लोगों को विश्वास आया कि हाँ ये लोग कुछ कर सकते हैं, सो इनको इनको मिलना चाहिए। तो उस टाइम से ही काफी सारी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं एंड तो काफी सारी चीजें नहीं जम पाई, क्योंकि हाँ कई टाइम मुझे कुछ चीज अच्छी नहीं लगी, कई बार उनको मुझमें कोई चीज अच्छी नहीं लगी, सो ये वाली चीजें होती रही हैं। काफी स्क्रिप्ट्स आई हैं, बट हाँ फाइनली गोनकेश आई लास्ट ईयर, सो उसकी स्क्रिप्ट मुझे कमाल की स्क्रिप्ट लगी थी एंड बहुत ज्यादा सोचा नहीं मैंने वो करते वक्त बिल्कुल भी, क्योंकि हालांकि कैरेक्टर मतलब फिल्म में देखा जाए तो उतना प्रोमिनेंटली नहीं दिखता है, उसके 3-4 सीन्स ही हैं, लेकिन वो सीन्स बड़े मजेदार हैं, वो कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। जी जी जी, उस वजह से मैंने वो कहानी की। एंड अगेन विद शुभ मंगल ज्यादा सावधान जब आई मेरे पास तो भी मुझे स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी लगी, लाइक उसका जो नैरेटिव था, क्योंकि हमने अभी तक जो भी इस तरह के टॉपिक पे देखी है वो बहुत बहुत या तो सीरियस या कहीं कहीं एक 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 डर जो मेकर में दिखता है, बिल्कुल बिल्कुल जाने के लिए वो मुझे दिखता है उन फिल्मों में, कि बिकॉज ऑफ लीगलाइज नहीं थी कुछ चीजें, बिल्कुल वो एक फियर होता होगा मेकर्स में, और उस वजह से वो एक आउट ऑफ पार्क नहीं खेल पा रहे थे वो वाली चीज। बिल्कुल वो भी अच्छी फिल्म है, बट बहुत ऐसे उसको उतना ह्यूमरस बनाने का ट्राई नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक हुआ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, डायरेक्टर की इसमें सोच थी, जो हमारे डायरेक्टर है हितेश केवलिया, उनकी सोच थी कि ये इज जस्ट अ नॉर्मल कॉमेडी, आई हैव टू पोर्ट्रे इट्स लाइक इट्स अ नॉर्मल रोमांस एंड ये सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, जस्ट बिकॉज इट्स टैबू, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग ह्यूमर नहीं खेलेंगे, हम लोग फुल एंटरटेनिंग एंड ह्यूमरस फिल्म बनाएंगे। तो वो जो इंटेंशन था वो स्क्रिप्ट में बहुत अच्छे से दिख रहा था एंड और काफी सारी चीजों से अच्छे से भी डील किया था, इस टॉपिक से भी बहुत जुड़े रहे थे, ऐसा नहीं है कि इस टॉपिक से हम लोग इनसेंसिटिव हो जा रहे हैं। चीजें मुझे कमाल की लगी थी इस फिल्म में, और मुझे अप्रोच किया गया है लाइक जिस तरह की कास्ट मुझे पता थी कि इस फिल्म में कौन कौन, तो बड़ा ही अच्छा एनवायरमेंट होने वाला था, लाइक गजराज जी, मानवी, नीना मैम, बिल्कुल बिल्कुल, लाइक सुनीता मैम, मनु सर, इन सबके साथ मैं पहले कहीं ना कहीं काम कर चुका हूँ, सो आई नो देम पर्सनली, और वैसा वाला सीन था तो काफी काफी पॉजिटिव था, मेरे को ना कहने का कोई पॉइंट ही नहीं था। राइट राइट, नहीं और आपने अच्छी यहाँ पे एक टॉपिक छेड़ी है, जिन कलाकारों का आपने नाम लिया, each of them now are joined in some really fantastic films. अगर आप देखें पिछले 4-5 साल में, आयुष्मान of course is now the new face of this genre, पर हमें as a viewer इतनी खुशी मिलती है कि we are getting a chance to see films जो अब मतलब हाँ हमारे blockbuster stars हैं, पर कहीं ना कहीं ये path जो गजराज जी और you know अभिषेक बैनर्जी, now you're going there आयुष्मान, इस फिल्म से काफी मुझे उम्मीद है कि दिस लाइन ऑफ वर्क इज नाउ गोइंग टू बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर। डू यू थिंक ये लाइन, ये जो मैं इसको ना पैरेलल नहीं कहूंगा, पर ये जो वेरी सिंपल रन ऑफ द मिल जो एक है एक जॉनर, इसमें स्कोप बहुत है क्या आजकल, मतलब एज एन एक्टर टू एक्सप्लोर? बहुत ज्यादा ऑडियंस पे डिपेंड करता है, पर है इसकी ऑडियंस है। हां तो अब ऑडियंस इस तरह की फिल्में थिएटर्स में देखने जा रही है, मतलब ये वाला टाइम मतलब आज से शायद 80s में आया था, जब ऋषिकेश मुखर्जी और लाइक बासु चैटर्जी, अमोल पालेकर, हाँ तो उस तरह की उन्होंने काफी सारी फिल्में बनाई थी और वो बहुत पॉपुलर हुई थी एंड स्टार्टिंग में राजेश खन्ना, अमित जी, धर्मेंद्र, इस तरह के जो बड़े स्टार्स हैं उन्होंने ऋषिकेश सर के साथ काम करके इस मीडियम को पॉपुलर बनाया, और फिर अमोल पालेकर आए और उन्होंने काफी सारी फिल्में की एंड देन राकेश रोशन और ये सब जो एक्टर्स हैं, नए एक्टर्स, तो इनको लोग देखने गए थे उस टाइम पे थिएटर्स में, फिर वापस से बहुत लार्जर देन लाइफ वाला टाइम आया जो 90s का पूरा हमारा जो दशक है, उसमें काफी सारी लार्जर देन लाइफ फिल्में आई, तो वही सिर्फ लोग देखने जाते थे, तो बहुत सारी चीजें ऑडियंस पे डिपेंड करती थी एंड लाइक 2005 के बाद ऐसा काफी कुछ आया था, लाइक जब विनय पाठक एंड रणवीर शौरी, करेक्ट, मतलब ओ लक्की लक्की, रजत कपूर, यस, हां इरफान खान की बहुत सारी फिल्में इस तरह की आई थी, रजत कपूर, हाँ, तो वो उन्होंने काफी ऐसी फिल्में बनाई और लोग थिएटर्स में देखने गए उनको, लाइक आफ्टर भेजा फ्राई तो काफी पॉपुलर हो गया था ये वाला, इस तरह की फिल्मों का जो जो मीडियम, जो सिंपलिसिटी जो कहती है, तो फिर वापस से मुझे लगता है थोड़ा सा गया एंड वापस लाइक आयुष्मान एंड राजकुमार के साथ वापस ये वाला जॉनर आया है, जहाँ पे हाँ मतलब इस तरह की कहानियों का बहुत स्कोप है, जो कि सिंपल है, जो कि लोगों से रिलेटेबल है, जो कि लोगों की लाइफ के बारे में बहुत कुछ कहती है,
तो अभी ऑडियंस बहुत कनेक्टेड है इस तरह की स्टोरीज से और लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसी फिल्मों को थिएटर में जाके देखने के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा रोल है। तो अगर जब तक ये कंटिन्यू रहेगा लाइक, और उसमें लाइक फिल्म मेकर्स को भी बहुत आगे आके खेलना पड़ेगा, हमेशा इंटरेस्टिंग कुछ देना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि लोग बोर होने लग जाए या लोग बोर्डम हो जाए विद सिमिलर काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स। तो हमेशा लोगों को, जो मेकर्स हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आते रहे ताकि इस तरह के मीडियम बरकरार रहे लंबे टाइम तक, ये चलता रहे। बिल्कुल, आप अगर बात करेंगे कंटेंट राइटिंग एंड ऑडियंस की टेस्ट में, तो क्या इसमें कुछ सच्चाई है कि कहीं ना कहीं द काइंड ऑफ शोज जो यूट्यूब चैनल्स पे आ रहे हैं, डिजिटल कंटेंट, कहीं ना कहीं इसका भी तो हाथ है, शोज विद यू बीन पार्ट ऑफ? बिल्कुल करेक्ट, मतलब बहुत बड़ा हाथ है इसका। जो जो डिजिटल कंटेंट जब शुरू हुआ था, लाइक हम लोगों ने परमानेंट रूममेट बनाया इन 2014 का जो मिड ईयर में हमने बनाया था वो, एंड उस टाइम पे हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से पसंद आएगा, क्योंकि हम लोग बहुत वैकी और वाइल्ड स्केचेस बनाते थे एंड बहुत कॉमेडी हमारा कंटेंट था और उस पे हमने अपना ऑडियंस बनाया था, एंड सडनली वी वर गिविंग देम अ रियल, मतलब रियल रियलिस्टिक कंटेंट, एक लाइक लिव इन कपल की हम लोग कहानी जिसमें बहुत वैकी बहुत वाइल्ड ह्यूमर नहीं है, तो वो चीजें एक्सेप्ट करेगी जनता किस तरह से, वो हमको डाउट था, लेकिन बहुत ही मतलब पॉजिटिव तरीके से लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोगों को बहुत शो पसंद आया, एंड लोग अभी तक बैठे हैं कि सीजन 3 कब आएगा परमानेंट रूममेट्स का। तो इट्स अ, मतलब वो बहुत बड़ा स्टेप था और वहीं से फिल्म मेकर्स को लगा कि हाँ, मतलब सारा कॉन्फिडेंस उसी से आता है जब ऑडियंस को चीज पसंद आती है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बहुत लाइक बहुत पैसा लगता है, बहुत मनी गेम है, बहुत बिजनेस वाली चीज है, तो और होना भी चाहिए लाइक, क्योंकि पैसा लगता है तो पैसा रिटर्न भी होना चाहिए, तो उस तरह की चीज है। तो ये मॉडल पे बहुत डिपेंड करते हैं कि ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। तो जैसे ही प्रोड्यूसर्स को लगा इंडस्ट्री में कि हाँ, इस तरह का कंटेंट लोग देख रहे हैं ऑनलाइन, तो व्हाई नॉट इन थिएटर्स, तो वहां से फिर इस तरह की फिल्में बनी। और आई थिंक जो जो सभी एक्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं, इस तरह की जो चीजें कहना चाहते हैं उनके लिए एकदम करेक्ट करेक्ट एनवायरमेंट क्रिएट हुआ आफ्टर 2015 और टूवर्ड्स लाइक अब तक काफी कुछ इस तरह का कॉन्टेंट आ चुका है और आ रहा है, ये आता रहे। As an actor, आपको satisfaction किस चीज से सबसे ज्यादा मिलती है? आप basically किसी अच्छे project का part होने, मतलब जो भी मेरे projects रहे, मैं बहुत lucky हूँ, like pictures to permanent roommates to bachelors, like bachelors की बात करें तो मतलब इसलिए जो भी वो पांच लड़के हैं, ठीक है, जो director हैं, जो writers हैं, जस्सी, बद्री, शिवांकित, अमेजिंग, लाइक उनके साथ जो काम करने का मजा आया, तो वहां से वो थॉट आया कि लाइक मतलब सेट बहुत मजेदार होना चाहिए, मतलब कहानी तो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सेट के लोग, और फिर काम निकल जाता है, फिर बहुत मजा आता है, फिर तुम जब तुम पॉजिटिव होते हो किसी सेट पे तो तुम अच्छे से ही काम करते हो, मतलब कोई कहीं कुछ नहीं भी होगा तुम्हारे पास तो भी तुम कर जाओगे, क्योंकि एनर्जी उस तरह की होती है, तो मैं तो उसमें मजा आता है, लाइक शुभ मंगल ज्यादा सावधान, लाइक पंचायत, ठीक है, इस तरह के जो सीरीज है जहाँ पे लोग बड़े इंटरेस्टिंग हैं, एंड आई हैव डन लाइक एक वेरी इंटरेस्टिंग सीरीज मैंने की, चीज केक, जहाँ पे लाइक इट्स अ डॉग स्टोरी, तो उसमें डॉग था, तो इट वाज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेटअप, और मुझे डर लगता है डॉग से, तो वो एक चैलेंज मिला कि हाँ लाइक लेट्स गो लेट्स डू, और क्योंकि पता है कि लाइक डॉग लवर्स बहुत सारे हैं और एक स्टोरी होनी चाहिए, तो इस तरह की चीजें जो थोड़ी इंटरेस्टिंग लगे, जो मतलब तुम्हें सुनो और तुम्हें नेक्स्ट डे लगे कि यार ये जितना जल्दी शुरू हो प्रोजेक्ट उतना अच्छा है, तो वाली फील आना बहुत जरूरी है, तो अगर वो मुझे नहीं आती तो मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, सोचता हूँ कि मैं करूँ या ना करूँ, तो मैं दो माइंड्स में चला जाता हूँ मैं, या फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, और फिर मैं हेल्प लेता हूँ अपने फ्रेंड्स की, लाइक बिस्सो, लाइक समीर, ठीक है, निधि, उनसे मैं अपनी बताता हूँ कि इस तरह की स्क्रिप्ट आई है, शुड आई डू इट और नॉट, सो उनकी काफी हेल्प लगती है, तो वो मुझे काफी कन्विंस करते हैं कि हाँ लेट्स डू, कर ले ये हो, तो जो भी उनका फेथ होता है तो उस पे मैं जाने की कोशिश करता हूँ कई बार, बट मोस्टली अगर मेरा कुछ होगा तो इट्स लाइक सुनते ही लगना चाहिए कि हाँ लेट्स गो ऑन द फ्लोर, ये अभी बना लेनी चाहिए कहानी, तो मुझे लगता है कि हाँ आई एम गोइंग राइट है। ये कॉमेडी कितना टफ होता है, जो हम जो देखते हैं यार ये दिस इज हिलेरियस, बट आई नो, मतलब मुझे थोड़ा आइडिया है, बट फॉर यू कितना टफ है इम्प्लीमेंटेशन, टाइमिंग? बहुत, मतलब जिस तरह की कॉमेडी हमने शुरू की, तो आई विल से कि जो राइटिंग है वो बिस्सो ने शुरू की, और जो 2012-13 में जो शुरू हुई, तो
बहुत सारे नए वर्ड्स हुआ करते थे, लिंगोज नए हुआ करते थे, जो कि किसी एक्टर की जुबान के लिए बहुत टफ हुआ होंगे, मतलब वो बहुत नेचुरल वर्ड्स नहीं होते थे और वो जोक्स हुआ करते थे, तो एक बहुत करेक्ट स्पेस में उन जोक्स को लेना बहुत टफ होता था हमेशा से। तो वो एक एक्सरसाइज थी कि कुछ भी अगर जोक हो रहा है उसको एक सटल तरीके से, उसको लाउड, अगर स्क्रिप्ट में लाउड कोई जोक है तो उसको सटल तरीके से किस तरह से लेना है, और वो इतना सटल भी ना हो जाए कि लोग उसके ऊपर से निकल जाए, लोगों को जोक ही ना लगे हो, तो इतना अंडर प्ले भी नहीं कर सकते एंड इतना ओवर प्ले ना कर देंगे वो लग जाए यार यार लाउड। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट स्टेज, लाइक व्हेन यू हैव रिटन समथिंग इमोशनल एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स इमोशनल सीन्स कर लेते हैं, मतलब मुझे ऐसा फील है बहुत सारे एक्टर्स को इमोशन कन्वे करना आता है, मतलब जो एक्टर बनने आता है या फिर थोड़ी सी मेहनत करके वो कर लेता है, बट कॉमेडी टाइमिंग एंड जोक्स लेना एक किसी भी एक्टर के लिए टफ टास्क है, चाहे वो कितना ही कमाल का कॉमिक एक्टर हो, चाहे वो कितनी कमाल की उसकी टाइमिंग हो, व्हेन ही गोज ऑन टू द सेट्स तो उसके लिए वो इनफ चैलेंजिंग टास्क होता है एक जोक को क्रैक करना और एक जोक को बहुत अच्छे से लेना, मतलब काफी चीजें मैटर करती है, क्योंकि जोक्स पे अगर लाफ्टर ना सुनाए दे, मतलब जोक मारा एंड लाफ्टर नहीं आया तो तुम्हें पता नहीं चलता है, एंड कैमरा मतलब के सामने ये सब होता नहीं है, व्हेन यू क्रैक अ जोक एंड तो बहुत ही डिफिकल्ट स्पेस होता है एक जोक मारना, कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें सेट पे बहुत हंसी आ जाती है बट फिर तुम बाद में स्क्रीन पे देखते हो तो तुम्हें हंसी नहीं आती कि ये इतना लाउड हो गया, अच्छा सेट पे बहुत मजा आता था, तो वैसी चीजें भी होती है, सो इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्पेस कॉमेडी करना, जो मुझे लगता है कि बहुत अगर विदाउट ब्रेन्स अगर तुम मतलब बहुत ज्यादा बिना सोचे समझे अगर आप तुम करने जाओगे तो मुझे लगता है कि एक हद तक तुम कर पाओगे, बिना रिस्ट्रिक्शन के अगर तुम कॉमेडी करोगे तो ज्यादा वर्क करती है, अगर हैप्पी स्पेस में कॉमेडी करोगे तो ज्यादा वर्क करती है, बहुत ज्यादा सीरियस मूड से या बहुत प्रैक्टिस करके बहुत रिहर्स करके वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल जाती है, वो वर्क कर भी सकती है वो वर्क नहीं भी कर सकती, मेरे को ऐसा लगता है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम लोग अभी लॉकडाउन में हैं और इतनी अनसर्टेनिटी है इस पीरियड को लेके, आपको लगता है कि क्या न्यू नॉर्मल कुछ होगा, मतलब सिर्फ टॉकिंग अबाउट व्हाट यू डू इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस की टेस्ट्स, ऑडियंस क्या इतने ज्यादा फिल्में नहीं देखेंगे हॉल में, क्या के लोग अपने कॉन्टेंट टेलर करेंगे डिजिटल स्पेस के लिए, आई होप जल्दी चीजें ठीक हो और लोग थिएटर्स में जाके फिल्में देखें और घर पे भी फिल्में देखें, बट मुझे लगता है कि वैसे इन जनरल अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम देखें तो मतलब दोनों का अलग अलग स्पेस है, दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस है, दोनों का अलग अलग फ्लेवर है, लाइक जब व्हेन यू गो टू अ थिएटर तब एक अलग फ्लेवर से फिल्म का मजा लेते हो, व्हेन यू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स और अमेज़न तब तुम अलग तरीके से चीज को देखते हो, तो एंड अगेन क्राफ्ट वाइज इट्स सिमिलर, लाइक जो मैं जिस तरह से एक क्रू किसी नेटफ्लिक्स या अमेज़न या वेब शो के लिए काम करता है वैसे ही किसी फिल्म के लिए काम कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स और लाइक शेड्यूल वाइज थोड़ा डिफरेंस होगा बट द क्राफ्ट वोंट चेंज, क्राफ्ट बहुत सिमिलर होगी, लाइक एक्टर को ये नहीं चमकेगा कि ही इज डूइंग फॉर स्क्रीन, बिगर स्क्रीन ही इज डूइंग फॉर वेब शो, सो वो उसके दिमाग में नहीं होगा व्हेन ही इज गिविंग द टेक, सो ये बहुत सेम रहेगा, व्हेन राइटर इज राइटिंग, राइटर की राइटिंग में माइट हैव लिटिल चेंजेस because when he is writing a series he has to give some like usko connect karna padega pure correct wo sari cheeze hain and he has good space to create every character aur har character ka track create karne ke liye time hoga uske paas writer ke paas to uske liye thodi si cheeze change ho sakti hai writer ke liye aur film mein thoda sa mujhe lagta hai ki fast pacing hota hai, hum log 4 saal ka period 2 ghante mein dikha rahe hote hain, theek hai यहाँ पे स्कोप ज्यादा है तो स्क्रिप्ट पे उस पे चेंज होता रहता है एंड इन वेब शोज हम लोग 10 साल की कहानी 10 सीजन में दिखा सकते हैं, 10 साल में दिखा सकते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम हम लोग दिखा सकते हैं, तो ये चीजें राइटर के लिए थोड़ी सी अलग हो सकती हैं दोनों जगह पे, बट फॉर एन एक्टर फॉर डायरेक्टर व्हेन इट स्टार्ट एक्शन एंड कट उसके बीच में मुझे लगता है कि नथिंग चेंजेस फॉर अ राइटर फॉर अ डायरेक्टर फॉर अ एक्टर फॉर एन एक्टर इट डजंट चेंज। Yeah. Thank you. Well, दोस्तों ये थे जितेंद्र कुमार, personally I have enjoyed this conversation. I hope sir आपको भी अच्छा लगा यहाँ बात करके लॉकडाउन में, और हम
दुआएं करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप वापस बहुत ही जल्दी अपने लाइन में लग जाएं, एंड कीप एंटरटेनिंग अस, कीप जस्ट मेकिंग अस फील गुड व्हाइल वाचिंग योर योर ब्रांड ऑफ एंटरटेनमेंट. आई वोंट से सिनेमा बिकॉज़ यू हैव शोज एज़ वेल, एंड थैंक यू वेरी मच जीतू भाई फॉर कमिंग ऑन द शो. टेक केयर. थैंक यू. टेक केयर.